हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये आज की दूसरी वीडियो आ रही है। अगर बात करें पहली वीडियो की, तो आज एक वीडियो डाली थी यहाँ पर मोस्ट अवेटेड Q4 के रिजल्ट। अगर बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड, पिडेराइट, लुपिन, ओके लुपिन एज वेल एज अपोलो टायर्स और बिरला कॉरपोरेशन, सारी कंपनियों के रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं। तो इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा, डिविडेंड भी दिया है। बाकी कल की डेट में इन्फो एज इंडिया मार्ट Q4 के रिजल्ट, काफ़ी सारी कंपनियों उसके एज वेल एज वैल्यू बाइंग कुछ कंपनीज थी उनसे रिलेटेड यहाँ पर विचार वीडियो हमने डाली थी, तो उस वीडियो को देख लीजिए। बाकी मैंने एक आपके लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर एक फोर बिगनर्स, ओके स्टॉक मार्केट बिगनर्स, तो यहां पर ये प्लेलिस्ट है। तो इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी कंपनीज पता चलेगी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। ये एक सट्टा बाजार नहीं है, जुआ बाजार नहीं है, एक सिंपली आपको एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, एज वेल एज और भी बहुत सारी सीख से रिलेटेड यहां पर आपको वीडियोज मिलती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आप जाके हमारी वीडियोज को देख सकते हैं। और इससे पहले हम यहाँ पर कम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ऐड कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस पहली बात कर तीन कंपनियों के रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी तक तीन कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर आज की डेट में मेन नज़र आ रहे हैं। तो पहली है विनाति ऑर्गेनिक लिमिटेड। आपको पता है ये कितनी बेहतरीन कंपनी और किस तरीके के रिजल्ट इसने पेश करे हैं, और इस मतलब पास्ट की बात कर रहा हूं, और जिस तरीके से शेयर भागा है तो अच्छा खासे लेवल पर शेयर चल भी रहा है। अगर बात करें यहां पर डिविडेंड, तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 6 रुपीज का, और आपको पता ही है फाइनल डिविडेंड आने में टाइम लगता है, तो यहां पर अप्रूवल वगैरह सब चीज होगी, फिर उसके बाद आपको यहां पर ये रिकॉर्ड डेट बताई जाएगी, फिर उसके विद इन 30 डेज में यहां पर यह आपको मिलता हुआ नजर आएगा डिविडेंड। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट की, तो इन लैक्स में यहां पर ये सारी की सारी आपको रिजल्ट मिलते हुए नंबर लिखे हुए नजर आएंगे। एज वेल एज बात करें ये इस बार के रिजल्ट है लास्ट टाइम के, और अगर बात करें ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा मेन रहता है, तो यहीं पर ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अदर इनकम तो इनके दूसरे बिजनेस से हो गया, फिर दूसरे तरीके से जो तो पैसे आते हैं वहाँ पर ही वो ऐड हो जाते हैं। बट अगर फिर भी हमें टोटल इनकम ही काउंट करनी पड़ती है, तो टोटल इनकम हमें अगर देखते हैं तो 28,633 का यहाँ पर अभी टोटल इनकम हुई है। इससे पहले 23,275 था, इससे पहले 26,155। तो अगर बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी खासी कंपनी ने जंप करके यहाँ पर दिखाई है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक तो कंपनी ने अदर इनकम भी इस बार कम होती हुई नजर आई है। स्टिल यहाँ पर अगर बात करें लास्ट टाइम और उससे पहले, तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर अदर इनकम भी थी, बट स्टिल कंपनी ने अच्छा खासा इनकम जनरेट करती हुई नजर आई है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी उसी तरीके से होते हुए नजर आए, तो 19,148 रुपीज के यहाँ पर एक्सपेंस हुए हैं। इससे पहले 16,215 थे, इससे पहले 153 थे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन आइटम्स एंड टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर द काउंटिंग ऑपरेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है 7,086.12, ये इस बार का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया है। ये लास्ट टाइम का था 6,413, और इससे पहले की बात करते हो 7,462 था। तो देखिए ईयरली बेस में यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट और सब कुछ होने के बाद यहाँ पर कम नज़र आया है, यहाँ पर प्रॉफिट इस बार कम होता हुआ नजर आया। बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। बाकी ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट, ओके एज वेल एज खर्चे यहाँ पर कंपनी के ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए, और इसी चीज़ का यहाँ पर सब कुछ इफेक्ट होता हुआ नजर आया। यहाँ पर टैक्स भी यहाँ पर कंपनी ने पे कर किया है। तो बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस अगर बात करते हैं यहाँ पर, जो मेन मैं आपको बता था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो सबसे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दिया है, और वही सबसे ज़्यादा मेन भी होता है। अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस भी देख सकते हैं लगभग 6.89 रुपीज़ का ईपीएस इस बार का है, 6.24 लास्ट क्वार्टर का था, और लास्ट Q4 का रिजल्ट में 7.26 का था। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी ने अगर एक्सपेंस वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल कर देती तो यहाँ पर ये प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ नजर आता। बाकी आप इसके साथ बने रह सकते हैं विनती ऑर्गेनिक के साथ। इसके अलावा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड, तो आपको पता ही है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड एग्जैक्टली करती क्या है। तो आपको ये मैकडोनल्ड्स के बर्गर जो आप खाते हैं मार्केट में, ओके बड़े बड़े यहाँ पर इनके रेस्टोरेंट है, ओके फास्ट फूड चेन है इंडिया में जितनी भी है,
ये चेन्स है, जितने भी रेस्टोरेंट है, तो मोस्टली यहाँ पर मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो इसके रिलेटेड बनाई है, तो यहाँ पर जो भी है वो इसी कंपनी के अंडर में आता है। तो आप देख सकते हैं इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट दे रखे हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड, तो हमें शायद थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा, एक में दीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे जाते हैं और थोड़ा, एक मिनट दीजिए यहाँ पर। हाँ, ये रिजल्ट हमें हमारे सामने इन लैक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये इस बार के रिजल्ट, ये Q3 के रिजल्ट और ये Q4 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। अगर बात करते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ओके, तो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर, अभी देखिए कुछ भी इंटरेस्ट इनकम कंपनी के वो, हाँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ही मेन ही होगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने शायद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा होगा। तो अगर बात करते हैं 35,088 ओके लैक्स इन रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स हुई है, इससे पहले 32 था, इससे पहले 33 था, तो 33,000 की बात कर रहा हूँ और वो भी लैक्स इन रुपीज़। तो अगर बात करते हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों पर, यहाँ पर कंपनी ने सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पर इजाफा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि अच्छे, मतलब लॉकडाउन के बावजूद भी ओके यहां पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है इन एरिया में। अगर बात करते हैं यहां पर और भी चीजों की, तो यहां पर देखिए नेट गेन फॉर द फेयर वैल्यू चेंजेस, यहां पर ये ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल इनकम की बात कर लेते हैं हम, तो यहां पर देख लीजिए टोटल इनकम तो 36,087 है इस बार का लैक्स इन रुपीज, से पहले 33,324 था, इससे पहले 33,808.02 लैक्स इन रुपीज का यहां पर टोटल इनकम होती हुई नजर। मतलब इनकम की बात करें तो इस बार की इनकम ओके आफ्टर लॉक, मतलब सब चीज लॉकडाउन भी यहाँ पर इंक्लूड है, ओके बहुत सारे रेस्टोरेंट भी क्लोज होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे अच्छी खासी यहाँ पर जंप होती हुई नजर आई है। तो कंपनी के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट की बात है, क्योंकि इसका शेयर अगर बात करें अच्छा खासी लेवल पर चल रहा था, और एक साथ ही 20% कंटिन्यूसली एक दो दिन 20% 5% 10% इस तरीके से गिरता हुआ हमें नजर आया था, क्योंकि मेरे पास ये शेयर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें, तो कंपनी ने एक्सपेंस में भी देखिए तोड़ दिया है, मतलब एक्सपेंस भी कंपनी ने, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वो वाला हिसाब हो गया है, और वो भी हर बार का ही इनका यही है। तो अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो इस बार 36,541 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस है, इससे पहले 33,728 था, इससे पहले 35,572 था। अगर बात कर लें यहाँ पर एक्सपेंस यहाँ पर ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट, अगर बात करते हैं प्रॉफिट क्या लॉस ही कंपनी को होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो लॉस यहाँ पर नजर आ रहा है कंपनी का लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पर देखते हैं, यहां पर देख लीजिए तो 645 ओके लैक्स इन रुपीज का यहां पर लॉस हुआ है, इससे पहले 11 लाख का यहां पर प्रॉफिट था, इससे पहले 25-26 लैक्स इन रुपीज का यहां पर माइनस में था। अगर बात करें यहां पर ईयरली और क्वार्टरली, ईयरली बेसिस पे तो आप देखें तो इन्होंने थोड़ा सा इनका प्रॉफिट मतलब नेगेटिव से थोड़ी सी और कम हो गया है। अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस से प्रॉफिट से नेगेटिव में दोबारा कंपनी आ गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि कंपनी ने अच्छे खासे एक्सपेंस करते हुए यहां पर नजर आई है। यहां पर देख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहां पर ज़्यादा होता हुआ कंपनी का नजर आया है, और अगर बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत ज़्यादा होते हुए नजर आया, इस वजह से यहां पर लॉस भी कंपनी का अच्छा खासा बुक करती हुई नजर आई है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस 41 पैसे का माइनस में, इससे पहले 1 पैसे का प्रॉफिट में था, इससे पहले 1.68। तो बात करूं देखिए इस कंपनी के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रखी है, देखिए स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है आई थिंक, या स्मॉल कैप कंपनी है, ओके देखना पड़ेगा। तो ये भागती भी तेज है गिरती भी तेज है, मेरे पास ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है बट स्टिल आई मीन प्रॉफिट, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे लेवल पे लिए थे, और ये अगर बात करें कल की डेट में शायद गिरता हुआ नजर आएगा। तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके नहीं दिखा रही है। बाकी पिज़्ज़ा अगर आप खाते हैं तो आपको डोमिनोज का पता ही है, जुबिलियन फूड, तो उसके साथ आप रह सकते हैं, वो लार्ज कैप कंपनी भी हमें नजर आती है। तो अगर बात करते हैं IEX की, ओके आपको पता ही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ओके काफ़ी बड़ा स्टॉक है, और जिस तरीके से इसने भी एक रैली बनाई है, तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। तो अगर इसके रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पर आते हुए नज़र आया है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं तो आपको इसके रिजल्ट नज़र आएंगे, ये यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो रिजल्ट है अगर बात करें ये लैक्स में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी गैप दे रखा है इन्होंने,
तो यहाँ पर इस बार के रिजल्ट है Q3 के Q4 के लास्ट ईयर के। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो इस बार की जो टोटल इनकम है 10,181 है, इससे पहले 9568 लाख से रुपीज़ थी, इससे पहले 7938 लाख से रुपीज़ थी। तो अगर बात करते हैं ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म एज अ टर्म ऑफ इनकम करते हुए दिखाई दिया है। अगर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस कंपनी के कुछ है ही नहीं। देखिए 1807 मतलब 1807 यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है, इससे पहले 1740, से पहले 2023 मतलब 2023 लाख रुपीज़। तो अगर बात करते हैं एक्सपेंस भी कंपनी ने बहुत कम करते हुए दिखाई दिया है ईयरली बेसिस पर, और क्वार्टरली बेसिस पर अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए, लगभग 60 लाख के आसपास, तो वो चलेंगे। अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6382 लैक्सी रुपीज़ का प्रॉफिट है, इससे पहले बात करें तो 6007 लैक्सी रुपीज़ का प्रॉफिट था, इससे पहले बात करें तो 4720 लैक्सी रुपीज़ का प्रॉफिट था। और बात करें ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, बल्कि ईयरली तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, तो आप इस कंपनी के साथ बने रह सकते हैं। कल की डेट में ये और कंपनी भागती हुई हमें शायद नज़र आ सकती है। EPS की बात करें 2.14 रुपये का EPS है, इस पर पहले 2.01 रुपये का था, इससे पहले 1.58, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ईयरली बेसिस पे यहाँ पर EPS बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो कंपनी के रिजल्ट, हम तीन कंपनी के रिजल्ट पढ़े हैं, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसे आप देख सकते हैं, ये अपने रिडार पे हमेशा रखिए, ये और आगे भागता हुआ ये शेयर नजर आएगा। IEX से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो इसके रिजल्ट सबसे अच्छे आए हैं, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर विनती के भी अच्छे खासे रिजल्ट मुझे तो पर्सनली लगे। ओके, गिरावट थोड़ी बहुत हो सकती है, बट कोई इशू नहीं है, आपको वो एक मौका मिलेगा। एज वेल एज अगर बात वेस्ट लाइफ एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल शेयर है, ओके, तो आप इसकी तरफ कम ध्यान दें तो ठीक है, बाकी क्योंकि इसने अच्छे खासे नंबर पेश नहीं किए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, ओके, और आप किस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड नंबर चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए, उससे रिलेटेड हम रिजल्ट निकाल के बता देंगे आपको, एज वेल एज आपको कौन से रिजल्ट पसंद आए आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।